गुमला जिले के घाघरा में पूर्व आईजी डॉक्टर अरुण उराव ने कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीडीओ और प्रखंड चिकित्सा प्रभारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में चल रहे टीकाकरण अभियान की जानकारी ली। पूर्व आईजी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोरोना टीकाकरण के बाद लोग बीमार होकर मर रहे हैं, ऐसे में उन्हें जागरूक कर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने का काम बेहद ज़रूरी है। नेशन न्यूज़ के लिए गुमला से संवाददाता अजीत सोनी की रिपोर्ट। ठीक है, ये जो वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। समझ रहे हैं कि देश में कोरोना के का जो लहर है इसको बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र सबसे बड़ा तरीका है। और जो सूचना ग्रामीण इलाकों से आ रही है कि गांव में भय पैदा हो गया है, एक अफवाह पैदा कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन नहीं लेना है, और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि आपका रिपोर्टिंग क्या है, ये बड़ा खतरनाक परिदृश्य है आगे की। ये मैं सीनियर अफसर्स को इस बात की जानकारी दूंगा, पार्टी में भी सीनियर्स को मैं जानकारी दूंगा कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन से लोग बेहद डर रहे हैं, और जो टारगेट है वैक्सीनेशन का जो पूरा करना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है, इससे वाकई दूसरे लहर में ही ज़्यादा लोग निपटेंगे और तीसरा लहर और खतरनाक होगा।